हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू यू, हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिलीज, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप दिस ईयर विल बी द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, सो आई विश यू हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने अभी जिम पहुँचने वाला हूँ, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और मेरा हाथ सोना पड़ गया ठंड की वजह से यार। ओके, तो अभी पूरे जिम में सिर्फ एक ही बंदा आया है और अभी पूरा जिम खाली पड़ा है, कोई भी नहीं आया। आधे तो सो रहे होंगे सर्दी में, वैसे भी सुबह जिम में सिर्फ 5-6 लोग आते हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर। सर हैप्पी न्यू ईयर। सर आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या आपके प्लान हैप्पी न्यू ईयर के? सर बस की करना, दुकान पे बैठना सर। खत्म ही है काम सर, आप नहीं बनना। तो अभी वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और मैंने अंदर कोई वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि कोई आया नहीं था पहले। मतलब आज लगभग सभी के सभी लोग आधा घंटे से भी ज़्यादा लेट थे और मेरे जो दो पार्टनर है वो भी आधा घंटा लेट थे, तो इसलिए जब तक वो आए मैंने अपने 4 सेट कंप्लीट कर भी लिए थे, तो शूट करने का टाइम नहीं मिला। सो अभी बाहर आके कर रहा हूँ। सो वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। तो अब मैंने जो सोचा है वो ये है कि मैं 1 जनवरी 2021 से, मतलब आज से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू करूं। बट मैं अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊंगा अभी या नहीं, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो घर पे ही स्पेंड होता है क्योंकि मैं अपने काम में वीडियोस में बिजी रहता हूं। सो अभी मेरे को यही कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूं, 365 डे का चैलेंज ले लूं या फिर ना लूं। एनीवे अभी घर चलते हैं, मेरा हाथ फिर सुन पड़ गया इतनी ठंड में, बाहर हाथ निकाल के रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो घर जाकर रिकॉर्ड करता हूं। वाल तो अभी घर तो पहुंच गया लेकिन अभी जो प्रोटीन शेक बनाने लगा तो मिक्सी ख़राब हो गई है, वो मिक्सी नहीं चल रही, तो आज प्रोटीन शेक कैंसिल हो जाएगा। और अभी सुबह है तो कोई शॉप भी नहीं खुली और ये रिपेयर नहीं होगी, अब नहीं आएगी क्योंकि पहले भी 3-4 बार ये ख़राब हो चुकी है। तो अभी यो है इसे यूज़ में नहीं लाया जाएगा और नहीं लाई जाएगी, तो न्यू ईयर वाले दिन मिक्सी ख़राब और खर्चे का घर। चलो कोई ना, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा। और ये देखो बाहर का व्यू, कोरा ही कोरा, मतलब इतने घनी आबादी वाले इलाके में भी आप देख सकते हो कोरा क्लियरली विजिबल है। और छत पे जाऊंगा तो और भी ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। क्या हुआ अगर मिक्सी धोखा देगी, ये पी लेंगे, वैसे ये भी पीते, दोनों पीते हैं, मतलब अब इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। और प्रोटीन शेक में मैं 2 बनाना डालता हूँ और 2 ही पड़े हैं अभी जो कि कच्चे हैं। तो होप कि आप सभी ने अपना अपना न्यू ईयर का रिजोल्यूशन ले लिया होगा कि आप न्यू ईयर पे ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे करना, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें। तो इन माय केस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा क्योंकि मैं न्यू ईयर से काफ़ी टाइम पहले ही, शायद 1-1.5 महीने पहले ही अपने जो है रिजोल्यूशन ले चुका था और ये सब मैंने करना था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको कुछ भी करने के लिए न्यू ईयर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और आज ही से स्टार्ट कर दो, वैसे भी अब 1 तारीख है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है कि हमें कुछ भी स्टार्ट करने के लिए किसी स्पेसिफिक डे की, किसी स्पेशल दिन की ज़रूरत नहीं होती, तो आप जब भी चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, बट कंटिन्यू रखना, उसे छोड़ना मत चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इन माय केस मैं जिम भी रोज़ जाता हूँ, अपना काम भी डेली करता हूँ, तीनों चैनल्स को मैनेज करता हूँ, और हाँ व्लॉग वाला चैनल जो मेरा 4th चैनल है यही वाला, इसको मैं लेकर थोड़ा सीरियस नहीं था क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, मतलब जो दिल की बात है सच बताऊँ, मुझे लगता है कि मुझे व्लॉगिंग में कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि हर एक व्लॉगर के साथ ऐसा होता है कि बिगनिंग जो होती है बहुत टफ होती है क्योंकि जो नए लोग जुड़ने होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि आपकी लाइफ कैसे है, आप क्या चेक करते हो, जब आप दिखाते हो ऐसे तो वो ना डेली का पार्ट बन जाता है, लोग अपनी लाइफ के पार्ट बन जाते हैं, तो वो डेली देखते हैं फिर जो भी हम करते हैं, एक तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है। तो वो कनेक्शन जो, वो जो बॉन्ड होता है वो स्टार्टिंग में बिठाना लोगों के साथ बहुत ही टफ होता है। तो अभी मेरे करंटली जो है 99 सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से मेरे भाई 25-30 तो मेरे दोस्त और रिश्तेदार ही हैं, बाकी के मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो दूसरे चैनल से आए हैं, और मैं कमेंट रोज पढ़ता हूँ, जो भी पक्के मेरे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो मुझे इस चैनल पे भी कमेंट करते हैं तो उनको भी मैं नोटिस करता हूँ। तो हाँ ऐसे उनके साथ मेरा बॉन्ड बैठ चुका है अभी, उन्हें पता है कि मेरी डेली रूटीन क्या है, तो इसलिए मतलब इसलिए व्लॉगिंग जो होती है शुरू में बहुत टफ होती है, लेकिन जब एक बार जब पुश मिल जाता है तो लोगों को जब पता चल जाता है आपके बारे में, तो बस फिर एक कह लो एक किस्म का हम डेली मिलते हैं व्लॉग में एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है और यही चीज़ मुझे मुश्किल लगती है बिठानी लोगों के साथ। तो अभी जो मैंने सोचा है न्यू ईयर पे, मतलब कि पूरे साल मैंने सोचा था कि पूरे साल अपने जितने भी दिन होते हैं 365 डेज सभी को मैं शूट करूँगा अपनी व्लॉग में, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि
मैं अपनी ऑडियंस को बोर नहीं करना चाहता, और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर में रहता हूँ, अपने काम करता हूँ, तो उसमें मैं क्या इंटरेस्टिंग करूँ। लेकिन अगर अपना काम छोड़ के मैं व्लॉग बनाने के लिए बाहर भी जाता हूँ तो मेरा जो काम है वो मतलब पीछे रह जाएगा, तो मेरी वीडियोस नहीं बन पाएगी। क्योंकि मिनिमम मेरी एक जो कॉमिक राजपूत पे वीडियो है उसे बनाने के लिए मुझे अगर मैं कंटिन्यूसली गिनूँ तो 4 से 5 घंटे लगातार लगते हैं, क्योंकि मुझे उसमें रिसर्च करनी होती है, मुझे उसमें बाद में अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होती है, फिर उसे रिकॉर्ड करना होता है, फिर एडिट करना होता है, फिर जो मैंने बोला है उस हिसाब से पिक्चर्स एंड क्लिप्स मुझे बनानी होती है, ढूंढनी होती है गूगल से। तो मतलब ये चीज़ों को ओवरऑल 5 घंटे कम से कम आप लेके चलो। और जो दूसरा चैनल है मीम्स वाला, तो उस पर भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि मिनिमम एक वीडियो में 40 से 45 मीम्स होते हैं, तो मुझे वो बनाने होते हैं। तो कई बार जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है या फिर आइडियाज़ नहीं आते तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है, और मुझ पर प्रेशर भी होता है कि मुझे रोज़ वीडियो डालनी है। क्योंकि फ़िलहाल तो मैं मार्वल के भी 60 से ऊपर पार्ट डाल चुका हूँ मीम्स के, हैरी पॉटर के मेरे 30 होने वाले हैं। मतलब इन सब के बावजूद भी व्यूज़ अभी फ़िलहाल उस चैनल पे काफ़ी कम आते हैं, मुश्किल से 1,000 होता है या फिर कईयों को 2,000 भी हो जाता है, सिर्फ 3 4 वीडियो हैं। तो बस मतलब अभी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाऊँ ताकि व्यूज़ गेन कर सकूँ और अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। तो मेरा जो मोटिव है इस साल अपना कॉमिक राजपूत चैनल को इस साल 1 लाख सब्सक्राइबर करना है, फ़िलहाल उस पर 12,700 है, तो कॉमिक राजपूत करना है। और जो मेरा चैनल मिस्टर राजपूत वाला, उसके बारे में मैंने ये सोचा कि उस पर अपनी फ़नी वीडियोस डालूंगा, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। मेरी पहली वीडियो उस चैनल पर मिस्टर राजपूत पर, जो कि मेरा सबसे पहला चैनल था। अभी न्यू ईयर पे मैंने यही सोचा कि हाँ मैं अपनी वीडियोस बना के, जैसे वाइंस होती है आशीष चंचलानी बनाता है, बीवी की वाइंस आशीष बेनीवाल ऐसी, मतलब इन सबसे कुछ डिफरेंट करूँगा, मतलब बढ़िया बनाऊँगा, उनकी भी बढ़िया होती है, मतलब कोशिश करूँगा कि आप सबको पसंद आए। तो न्यू ईयर पर मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मैं अपना मिस्टर राजपूत चैनल को दोबारा से कहते हैं उसे जिंदा करूं। तो ओके, तो अभी मैं अपना प्रोटीन जो कि है ही नहीं शेक, तो अभी अपना मैं प्रोटीन वगैरह पी लेता हूँ और फ्री होता हूँ, काम भी करना है अभी आज न्यू ईयर लोगों के लिए। और मेरा न्यू ईयर का प्लान था जलंधर जाने का, वहाँ पे बहुत ही फेमस होती है हवेली, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ जाने का प्लान था, लेकिन कोई भी रेडी नहीं हुआ, ना मेरे फ्रेंड्स ना मेरी फैमिली कोई भी, तो वो कैंसिल हो गया प्लान। मिलते हैं अभी, देखते हैं क्या करना है, न्यू ईयर का कोई प्लान नहीं है मेरे पास पार्टी के लिए, बाकी दूसरे प्लान से। तो अभी अपनी वीडियो बना के मैंने कंप्लीट करी है मार्वल मीम्स के ऊपर, और वो अपलोड करके अभी फ्री हुआ हूँ, और अगली वीडियो का काम स्टार्ट है। और यहाँ पे मेरे रूम में बहुत ठंड होती है, क्योंकि ये वाला जो मेरा रूम है ये घर के सबसे एंड पर है, और यहाँ पर धूप वगैरह कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे इसलिए ठंड रहती है। तो इसलिए मैं जब काम करता ना तो ये ग्लव्स पहनकर, ये कैप और इसके साथ ये नीचे, ये मतलब पूरे कान वगैरह ढक के, मैंने शूज़ भी पहने हुए हैं अभी, तो मतलब पूरा एकदम तैयार होकर ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहनकर फिर बैठना पड़ता है, अभी भी ठंड लगती है जैसे, तो मतलब इतनी ठंड होती है मेरे कमरे में। और एक रीज़न ये भी है कि ये अभी घर नया बना है, इसे लगभग 1 1.5 साल हुआ है अभी, तो उसकी वजह से जो दीवारें होती है ना तो वो भी ठंडी होती है नए घर की, और सर्दियों में और भी ज़्यादा। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेंट वगैरह भी नहीं हुआ घर में, तो वो सारा भी काम करना है अभी, मतलब लगभग हमारे आर्किटेक्ट ने बोला था कि लगभग 1.5 से 2 साल के बाद ही पेंट करवाना घर को, उससे पहले मत करवाना, वरना वो पपड़ी वगैरह होती है ना जो डॉक्टर फिक्सिट वाली, वो वगैरह लगानी पड़ेगी फिर, तो इसलिए हमने नहीं करवाया। तो बस ठंड की वजह से बस ये सब मतलब इंतजाम करके बैठना पड़ता है यहाँ पे। तो अभी एक वीडियो खत्म हो गई है और मैं दूसरी काम शुरू कर रहा हूँ, और मैंने जो मेरे कॉमिक राजपूत वाले चैनल पे वो कॉमिक अपडेट्स वाली वीडियो काफी लंबे टाइम से नहीं डाली। फिलहाल तो अभी अपनी वीडियोस तो कंप्लीट कर ली मैंने, दूसरी की स्क्रिप्ट अभी आधी रेडी हो गई है, तो मुझे अभी कॉल आया कि न्यू ईयर के लिए अभी सुल्तानपुर जाना है, वो भी अपने अमृतसर वाले फ्रेंड्स, तो मतलब यहाँ के फ्रेंड्स अमृतसर टूर में थे जो साथ ऑलवेज मेरे साथ होते, तो अभी उनके साथ जा रहा हूँ, गाड़ी में मिलते हैं। किद्दा भाई और किद्दा की हाल है? हैप्पी न्यू ईयर भी, सब नू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मनजोत भाई, हैप्पी न्यू ईयर, कोई ना कोई फिर कितने जा रहे? सुल्तानपुर। ठीक है सर, शूज इतने उतार लो, सारे जने Here is Mr. Rajput. दिखता नहीं मैं। सर हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर राजपूत, आज मैं आया हूँ सुल्तानपुर, और मैं रोज आता हूँ सुल्तानपुर, आज फिर से आ गया, कोई नई बात नहीं।
अच्छा पहले यहाँ पे सिर्फ ये एंट्रेंस थी गुरुद्वारे की सुल्तानपुर के, ये सिर्फ ये वाली एंट्रेंस मेन जो एंट्रेंस है मेन अब भी यही है। तो अब जो एक और एंट्रेंस जो बन गई है यहाँ से बनी है दूसरी साइड से, ये एंट्रेंस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी ये भी बन जाएगी, वैसे बनी नहीं, 1.5 साल हो गया ऐसे ही है, बाकी मेन एंट्रेंस ये है। और मेरा कैमरा शायद साफ़ होने वाला है क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें ना येलो सा कुछ आ रहा है। ओके दोस्त, ठंड बहुत है यार, ऐसे कारपेट के ऊपर चलना पड़ रहा है, नीचे चले पांव सुन पड़ गए, पांव तो वैसे अब भी सुन पड़ ही गए हैं। सच बता रहा हूँ पांव पूरी तरह से सुन पड़े हुए हैं मेरे, पूरी तरह से, और अभी आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए। वैसे इस सरोवर में सभी लोग स्नान करने आते हैं लेकिन आज यहाँ पे कोई नहीं कर रहा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उंगली नहीं डाल पा रहा कोई सरोवर में, तो बॉडी कहाँ से डालेगा पूरी की पूरी। और इस सरोवर में मछलियाँ भी है पूरी की पूरी, भरा हुआ है सरोवर मछलियों से, ये देखो। और यहाँ से मिलता है प्रसाद गुरु का कड़ा, ये देखो सब खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाओ खाओ। ये गमले रखे कितने अच्छे लग रहे हैं, सभी एक लाइन में जैसे किसी मिलिट्री की परेड हो, काफ़ी बड़े बड़े गमले, मतलब हद से ज़्यादा बड़े, 5-6 बोरे तो मिट्टी का डल जाता होगा इनमें, इतने बड़े बोरे हैं गमले हैं। तो यार अभी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मैं घर आते आते, मतलब अभी न्यू ईयर से जब ही तो सुल्तानपुर से वापस आए तो फिर पार्टी करने चले गए, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ ऑन स्टिक डाइट, तो मैंने बस कॉफ़ी ली वो भी बिना मीठे के और फिर वापस आ गया। और अभी मतलब बहुत टाइम लग गया, पर 8 बज चुके, 8 से भी ज़्यादा टाइम हो गया अभी, तो अभी मुझे ये व्लॉग एडिट करना है और एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट, फिर बाद में अपलोड, मतलब शायद 2 घंटे लग जाएँ, तो शायद 10 बजे तक ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल 8 बजे हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके व्लॉग अपलोड कर आज इसे कम्प्लीट कर अपलोड कर दूँ क्योंकि न्यू ईयर आज है तो आज अपलोड करना पड़ेगा। सो बस आज के व्लॉग में गाइस इतना ही, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड इफ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।